बात होगी छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में एक छापेमार कार्रवाई की गई है और जनजाति विभाग के एक लेखापाल को 25,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई, लेखापाल से लोकायुक्त की टीम पूछताछ भी कर रही है। तो लोकायुक्त टीम की एक बड़ी कार्रवाई, छिंदवाड़ा ट्राइबल जो विभाग है उसके लेखापाल के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेखापाल से पूछताछ भी कर रही है लोकायुक्त टीम। तो रिश्वतखोर लेखापाल पर लोकायुक्त टीम की कड़ी कार्रवाई, रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेखापाल को 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। संवाददाता विजय ठाकरे फोनलाइन पर हैं, विजय से समझेंगे। विजय, क्या कुछ पूरा मामला आपसे समझेंगे और कार्रवाई के बाद अब क्या वहां और लोकायुक्त टीम का एक्शन? महन जी, मैं आपको बता दूं, नीले सूर्यवंशी पिता गंगाराम जो ट्राइबल विभाग में वृत्त के पद पर है, इनकी जन्मतिथि गलत दर्शाई गई थी। इनकी जन्मतिथि सुधारने के लिए नीलेश ने ट्राइबल विभाग में एक आवेदन दिया था कि हमारे पापा की जन्मतिथि सुधारी जाए। तो आवेदक द्वारा ये जब आवेदन लगाया गया तो वहाँ के लेखापाल संगीता झाड़े ने 80,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत नीलेश ने लोकायुक्त जबलपुर की थी। आज करीब 12:30 बजे लोकायुक्त जबलपुर की टीम द्वारा ट्राइबल विभाग में 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों संगीता झाड़े को पकड़ा। ठीक है, इसके बाद अब क्या लोकायुक्त की टीम और कुछ क्या कार्रवाई कर रही है या किसे सुपुर्द कर रही है? लोकायुक्त टीम का ये कहना कि हमें नीलेश ने आवेदन दिया था। जी चलिए, शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर, लोकायुक्त की टीम ने, जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने छिंदवाड़ा में ट्राइबल विभाग के एक लेखापाल को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दिनांक 16 तारीख को प्रार्थी नीलेश सूर्यवंशी, जो कि ग्राम लहगड़ुआ सिवनी का निवासी है, कार्यालय आकर लिखित रूप से शिकायत किया कि उसके पिता जिनका नाम गंगाराम सूर्यवंशी है, आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर में पदस्थ हैं, शासकीय अभिलेख में उनकी जन्मतिथि 2 साल गलत लिखा गई थी। तो उक्त जन्मतिथि को ठीक करवाने के लिए जब प्रार्थी के पिता के द्वारा सहायक आयुक्त जनजाति कार्यालय विभाग सिवनी में शिकायत आवेदन किया गया, तो उक्त जन्मतिथि को ठीक करने के एवज में सहायक जनजाति कार्य विभाग सिवनी पदस्थ अकाउंटेंट श्रीमती संगीता झाड़े के द्वारा उनसे 80,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तो शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दल का गठन किया गया और आज दिनांक को प्रथम किस्त के रूप में 25,000 रुपये रिश्वती राशि लेते हुए श्रीमती संगीता झाड़े अकाउंटेंट है जो छिंदवाड़ा में, उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गृहमंत्री